दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। 3 माह से पेंशन ना मिलने से परेशान यमुनानगर की दर्जनों कॉलोनियों के लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और बुजुर्गों को समझा बुझाकर शांत किया। बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन बुजुर्गों की माने तो इन्हें पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। पेंशन के लिए वे लोग कभी बैंक, कभी निगम तो कभी अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, तो हर कोई यही कहता है कि पेंशन जल्द ही आ जाएगी, परंतु कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देता। गरीब लोगों के पास, बूढ़े लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इसी से खर्चा चलाते हैं। क्या किसी का बेटा नहीं खिलाता, किसी के बेटे हैं नहीं है, वो कहाँ जाए? पूरे 2 महीने हो गए हैं, आगे 1 महीने पेंशन आ जाती थी, 3 महीने हो गए हैं, जहाँ तो इकट्ठी पेंशन आए 3 महीने की, और बैंक में जाते हैं, बैंक वाले धक्का मारते हैं, चलो जी आई नहीं आई नहीं। मौत की दहलीज पर खड़े बुजुर्गों ने कहा कि जो लोग मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, सरकार उनकी सुध लेने की बजाय घोषणाएं कर रही है। उनके अनुसार पहले वे लोग यही कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब वे यही कहेंगे कि अंतिम बार मोदी सरकार। वहीं लोगों का आरोप है कि सरकार ने गांवों में पेंशन दे दी है, लेकिन शहर में अभी तक नहीं दी। यदि जल्द ही इनकी पेंशन ना दी गई तो यह लोग जाम भी लगा सकते हैं। एक हफ्ते से बूढ़े लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं, कभी बैंक में जाते हैं और कभी कमेटी में जाते हैं और कभी ऑफिसर्स के पास में जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। हर जगह से यही है कि मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अवर ड्यूज। एक तरफ तो सरकार जो है इतने अनाउंसमेंट करती है और दूसरी ओर वो पैसे भी नहीं देती हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।